अच्छा, इंडिया में ना सिख कम्युनिटी पर जोक्स बनाए जाते हैं कि सिख तो पागल होते हैं, सिखों को कुछ पता नहीं है, सिखों को जैसे मर्जी पागल बना लो। तो मोदी सरकार ने यही सोच समझ कर कि सिखों को तो कुछ पता ही नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ भड़का के तो सिखों को हम पागल बना लेंगे। लेकिन जब सिखों के खिलाफ बिल पास कराया नरेंद्र मोदी ने, तो सिख किसानों ने ऐसा आलू डाला है, आप लिख के सर्च करो जरा, ये किसानों ने देखा दिल्ली के अंदर क्या किया है, लाल किले पे खालिस्तान का झंडा। हाँ, इसने नरेंद्र मोदी ने अपना पिछवाड़े का जोर लगा लिया, लेकिन ये किसानों को रोक नहीं पाया। पुत्र, तू क्या समझता है, तेरे सारे इंडिया की ताकत जो है ना, ये सिखों के अंदर है, समझ आई है? अभी देख, अभी सिर्फ किसान आए हैं तो इन लोगों ने कैसा आलू डाला है, तुम लोग काबू नहीं कर पा रहे, तुम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे इन लोगों के ऊपर। और ये पीछे नहीं हटेंगे, ये सिख लोग जो हैं ये पीछे नहीं हटेंगे, अब खालिस्तान बनेगा। इतना अच्छा तरीके से सब अमन शांति से चल रहा था, कोई मसला मसाइल नहीं थे ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, सिख अपना लगे हुए थे, हर बंदा खुश था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले, इन लोगों ने तुम लोगों का पायलट अभिनंदन का बेइज्जती करवाया, फिर इंडिया का बेइज्जती करवाया, फिर एक जहाज का नुकसान करवाया जो पाकिस्तानी पायलट ने गिराया, और फिर इसने कश्मीरियों से उनका हक छीना। कितनी देर कश्मीर बंद रखा है इसने, वहां पे कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, और अब इस कुत्ते के बच्चे ने सिखों को उंगली की है। अब पुत्र, सिखों ने तो यह के तय लगा देना भाई, सिखों ने तो अब ऐसा आलू डाला है ना, ये आलू सिखों ने 70% अंदर डाल दिया है। अब मैं अपने सिख वीरों को कहना चाहता हूँ, ये आलू जो तुम लोगों ने 70% अंदर डाल दिया ना मोदी के पिछवाड़े में, अब पीछे नहीं हटना, ये आप लोगों का खालिस्तान इंशाल्लाह बनकर रहेगा। ये जो आप लोगों के 70 किसान जो इन लोगों ने मार दिए हैं बिला वजह, जो कि अपने हक के लिए खड़े हुए थे, उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देना। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं यार, तभी आजादी मिलती है, ऐसे नहीं मिलेगी। मैं जितने भी कनाडा में सिख हैं, अमेरिका में हैं, जो यूरोप में सिख रहते हैं, जितनी भी सिख कम्युनिटी है, मैं उन सबको कहूंगा भरपूर मदद करो अपने भाइयों की, अपने किसानों की मदद करो, क्योंकि इनको रोटी पानी पहुंचाते रहो, ये तुम लोगों को आजादी लेकर देंगे तुम्हारे किसान। डोंट वरी, बस अपना हाथ इनके ऊपर रखो, इनको खाना पीना पहुंचाते रहो, इनको पैसा भेजते रहो, बस आप लोगों को और कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये निकल चुके हैं अपने घरों से किसान, इंशाल्लाह ये खालिस्तान जरूर बनेगा। लाल किले पे तो कब्जा, कैसा झंडा खालिस्तान का लहरा रहा है वहां पे, लाल किले पे तो कब्जा कर लिया है। अच्छा, कोई इस नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है, ना इसका कोई हमसाया, ना पाकिस्तान खुश है, ना चाइना खुश है, और ना ही रशिया, जिसको ये बाप बनाना चाह रहा था नरेंद्र मोदी, वो भी नाराज हो गया है। और इन लोगों का गोदी मीडिया इतने झूठ पे झूठ बोल रहा है चैनल्स पे बैठ के, वो क्या मिलेगा पैसे लेके। तुम लोग जितने मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन हकीकत तो ये है कि किसान अब बाहर निकल चुका है, खालिस्तान बनेगा, सिखों ने पकड़ के आलू डालना शुरू कर दिया है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे यार, जो सिखों ने आलू डाला है ना, मजा आ गया। मैं कहता हूँ ये मोदी कुत्ते का बच्चा, ये कभी चाइना को उंगली करता है, कभी पाकिस्तान को उंगली करता है, लेकिन जिस तरफ उंगली करता है वो मरोड़ के इसी की ऐस में दे देते हैं उंगली, और फिर आराम से सुकून से बैठ जाता है, और फिर अपने कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर जो है वो दंगे फसाद शुरू करवा देता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसने इस बार सिखों से पंगा लिया है, तो सिख मसरूफ है अब इसकी ऐस के अंदर आलू डालने में। लगे रहो, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह खालिस्तान जरूर बनेगा।